हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लाइटरूम से रिटचिंग करना सिखाऊंगा, जो कि आप दोस्तों होम स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया है फोटो को। तो अगर आपको भी इस टाइप का फोटो बनाना होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप मेरे फोटो को तो देख सकते हो, जो कि मेरा फोटो कुछ इस टाइप का है दोस्तों। कितना ज़्यादा ब्लैक और कितना ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट जो बैकग्राउंड पे आया है। तो दोस्तों इसको मैं एकदम नॉर्मल सा रिटचिंग करके दिखाऊंगा, वो भी दोस्तों सबसे आसानी तरीके से। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये मेरा फोटो दिख ही रहा होगा। दोस्तों इस फोटो को आपको क्या करना कि लेकर चलना है स्नैपशीट के अंदर गाइज। तो दोस्तों मैं अपने स्नैपशीट को ओपन करता हूँ और वहाँ पर आपको बताऊँगा कि दोस्तों आपको कैसे जो है इस फोटो पर हाईलाइट को कम कर सकते हो। सबसे पहले तो गाइज आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, जो कि आपको स्टाइल वाले पे मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों इतना काम करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो फोटो हमारा कितना ज़्यादा कलरफुल हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों रिटचिंग करने से पहले हम फोटो को कलरफुल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया आपको किस टाइप से कलरफुल कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको टूल्स पे जाकर दोस्तों सेलेक्टिव पे चले जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख दो फेस हमारा कितना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा लाल टाइप का जो टोन आया उसको कैसे हटाएंगे। तो यहाँ पर सेलेक्टिव करके और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देना और दोस्तों सिचुएशन को कुछ इतना पर लो करना है। बस इतना आपको काम करना है पूरे फेस पर दोस्तों। जहाँ अगर आपको ज़्यादा लाइट लगे या फिर कम लाइट लगे दोस्तों, वहाँ पर आपको ऐसे ब्राइटनेस बढ़ा के और सिचुएशन को कम कर देना, जिससे क्या होगा दोस्तों जो रेड टोन है वो हट जाएगा और फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको दोस्तों करके दिखाता हूँ, आप वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपको क्या करना है कि जो ब्लैक है फोटो हमारा उसको कैसे आप इस टाइप से गोरा कर सकते हो। तो इतना दोस्तों देख सकते हो किस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्लैक है। तो यहाँ पर ऐसा सेलेक्ट करके और यहाँ से ब्राइटनेस को हाई कर देना और सिचुएशन को लो कर देना दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों गर्दन के पास आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लैक है उसको दोस्तों सेम ऐसे ही करना है आपको, जो कि यहाँ पर ब्लैक है वो ब्लैक हट जाएगा और यहाँ पर दोस्तों वाइट हो जाएगी। देख सकते हो फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो ऐसे दोस्तों आपको काम कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हाथों पर भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा के सिचुएशन को लो कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपका फोटो जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो को, जैसा कि मेरा पहले का फोटो कुछ इस टाइप का था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने स्नैपशीट का यूज किया, क्योंकि फोटो कितना ज़्यादा कलरफुल और कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो इतना काम करने के बाद हम यहाँ से फोटो को शेयर कर देंगे दोस्तों लाइट रूम के अंदर। वहाँ पर दोस्तों आपको लाइट एडजस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों आपको फोटो को लेकर चलना है लाइट रूम के अंदर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटो को शेयर कर दिया लाइट रूम के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा फोटो जो है लाइट रूम के अंदर जा चुका है। अब हम दोस्तों लाइट रूम को क्या करते हैं कि ओपन करते हैं और आपको बताते हैं वो ट्रिक। यहाँ पर मेरा फोटो जो है आ चुका है दोस्तों, आप फोटो को तो देख सकते हो। तो आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर लाइट पे जाना है और लाइट पे जाने को दोस्तों आपको हाईलाइट को कुछ इतना पर लो करना है दोस्तों, क्योंकि मैंने -91 कर दिया गाइज, आप पूरे 100 भी कर सकते हो। इसके बाद तो वाइट को भी आपको इतना कम कर लेना दोस्तों, जिससे फोटो पर जो लाइट है वो कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले किस टाइप का था दोस्तों, इसको कम करने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इतना काम करने में आपको कलर वाले पे चले जाना है दोस्तों, आपको मिक्स पे जाना है और पहले वाले को दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, दूसरे वाले पे चले जाना है दोस्तों। और इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा फेस पर जो व्हाइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर फेस गोरा करना होगा तो आप इसको माइनस करेगा और दोस्तों नीचे वाले को लुमिनस को अगर आप बढ़ाओगे तो फेस पर लाइट आएगी, क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा, फोटो काफ़ी ज़्यादा जो है गोरा हो जाता है दोस्तों। इस टाइप से फोटो को गोरा किया जाता है। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद आपको येलो वाले पे चले जाना, पहले इसको पूरा का पूरा लो कर देना दोस्तों और इसको कुछ इतना पर करना है दोस्तों। इसके बाद ग्रीन वाले पे जाके इसको कुछ इतना लो करना है और दोस्तों इसको कुछ इतना पर करना है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इतना इतना हमको जो सेटिंग है येलो वाला और ग्रीन वाला इतना कर देना है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ग्रीन ये जो ब्लू वाला है दोस्तों, इसको कुछ इतना पर रखता हूँ और इसको भी दोस्तों थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ, इतना पर इसको इतना पर कर देना है। बस इतना ही काम हमको यहाँ पर कर लेना है। अब दोस्तों फोटो को डन करना है और डन करना आपको इफेक्ट वाले पे जाना है दोस्तों, क्लैरिटी को लगभग 8 कर देना है आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको कुछ इतना पर आपको कम करना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो लगभग -2 करना है दोस्तों। और यहाँ पर नीचे भी दोस्तों आना है आपको, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है कि बढ़ाना है लगभग इतना पर गाइस। इतना काम करने के बाद आपका फोटो देख सकते हो कितना ज़्यादा दोस्तों HD फोटो हो चुका है। तो अब दोस्तों फोटो को क्या करते हैं कि स्मूथ करते हैं। तो मैं फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करता हूँ दोस्तों स्नैपशीट के अंदर। पहले दोस्तों जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर लाइट दूंगा, उसके बाद दोस्तों आपको स्मूथ करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो टूल्स पे जाके सेलेक्टिव पे चले जाना दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से जो फेस जो रेड टोन आए अपने कानों पर दोस्तों, उसको मैं सिचुएशन कम करता हूँ, जो रेड
टोन था वो हट गया गाइस। इसके बाद यहाँ पर अंधेरा तो सिलेक्ट करके ब्राइटनेस इतना पर हाई कर दूंगा जिससे ये एक बराबर लाइट फेस पर का लगने लगा, जिससे फोटो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप खुद ही देख सकते हो। तो इतना ही काम हमको क्या करने के यहाँ पर करना है दोस्तों, ये देख सकते हो हाथों पर भी लाइट कम लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छे से मैं लाइट को बढ़ा देता हूँ जिससे फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है आप देख सकते हो। तो इतना काम आपको क्या करना है कि स्नैपशॉट के अंदर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से दोस्तों आपको फोटो को स्मूथ करना है। अब दोस्तों फोटो को क्या करना है कि लेकर चलना है सीधे ऑटोडेस्क के अंदर। यहाँ पर मैं ऑटोडेस्क में ले जाता हूँ फोटो को और हमारा ऑटोडेस्क जो है ओपन हो चुका है दोस्तों। तो आपको मैं बताऊंगा आपको कौन सा ब्रश जो है यूज करना है स्मूथ के लिए। आपको चले जाना है इस वाले पे दोस्तों, आपको सबसे नीचे चले जाना है दोस्तों। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ये वाला ब्रश आपको मिल जाएगा। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो याद रखने के लिए। और सेटिंग दोस्तों कुछ इतना पर आपको रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को जो है सेटिंग जो नहीं समझ में आता है दोस्तों उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब तरीके से स्मूथ करते हैं। अब दोस्तों फोटो पर जूम कर लेना है इतना पर, और दोस्तों यहाँ पर साइज़ को कुछ इतना पर बढ़ा लेना लगभग 30 या 35। और अब दोस्तों फेस पर ऐसे रगड़ना है जिससे फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। और दोस्तों साइज़ को छोटा भी करके एकदम अच्छे से छोटा बड़ा करके दोस्तों आपको एकदम अच्छे से स्मूथ करना है, जिससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लगेगा दिखने में और सारा जो पिंपल वगैरह है सारा का सारा हट जाता है स्मूथ करने पर। मैं आपको पूरा पूरा फेस अपना स्मूथ करके दिखाता हूँ किस टाइप से किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमको स्मूथ करना है जिस टाइप से दोस्तों मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कितना दोस्तों फास्ट कर रहा हूँ, वो भी दोस्तों ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा इतना दोस्तों। यहाँ पर जो दाढ़ी है हमारा यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ इसको, फिर से यहाँ से मैं स्मूथ करना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ पर एकदम अच्छे से मैं मिलाता हूँ, यहाँ पर साइज को थोड़ा सा छोटा करके इस टाइप से कर लेना है। अब दोस्तों फोटो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पर स्मूथ होने के बाद दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों मैं गोल गोल करके ऐसे आपको मिला देना, जिससे दोस्तों अगर वहाँ पर ब्लैक होगा तो ब्लैक जो पूरा हट जाएगा दोस्तों। इस टाइप से आपको स्मूथ कर लेना है। इसके बाद इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कान पर थोड़ा है, तो कानों को भी थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। इतना काम आपको क्या करना कि कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से कर रहा हूँ। और इतना काम दोस्तों होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा फेस जो है अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है दोस्तों। तो इतना काम आपको क्या करना है कि कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर कानों पर भी ऐसे ही दोस्तों हमको थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर देना है, जिससे कान हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। इसके बाद दोस्तों गर्दन को करना है, फिर से साइज को मैंने बढ़ा लिया लगभग 26। इसके बाद इस टाइप से गर्दन को भी स्मूथ कर देता हूँ, जिससे गर्दन कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है दोस्तों। अब इतना दोस्तों गर्दन आप देख सकते हो, हमारा गर्दन स्मूथ हो चुका है। अब दोस्तों हाथों को करेंगे, तो ऐसे ही साइज को बड़ा करके लगभग 30 या 35 और हाथों पर थोड़ा थोड़ा जो ब्रश है उसको आपको रगड़ देना दोस्तों इस टाइप से थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर साइज को छोटा करके उंगलियों पर कर देना, जिससे दोस्तों स्मूथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से होता है। और दोस्तों जब तक स्मूथ हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है और कितना जो दोस्तों हमारा फोटो जो हार्ड लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इतना ज़्यादा फोटो हार्ड लग रहा है स्मूथ होने के बाद। और दोस्तों अगर आपको लिप को लाल करना होगा तो आप इस टाइप से इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक फोल्डर बन जाता है, जिसके बाद दोस्तों आपको चले जाए लाइब्रेरी में, आपको ये वाला जो है ब्रश लेना है दोस्तों। और इसका दोस्तों सेटिंग जो आपको इतना पर रखना है लगभग इतना पर गाइस। इसके बाद क्या कहना है कि यहाँ पर इस पर जाना है और इसको लाल कर देना दोस्तों। अब दोस्तों अपने होठों पर जूम करना है और इस टाइप से आपको ब्रश से लगा देना है दोस्तों। इतना ही काम आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद इसको दोस्तों कम कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करके ऑपेसिटी को कम कर देंगे, हमारा ओट जो है जो लाल था ज़्यादा वो कम हो जाएगा। इतना काम दोस्तों आपको करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि फोटो को सेव कर लेना है। यहाँ पर जो आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करें कि दोस्तों पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको दोस्तों हमको क्या करना है कि ब्लर करना है, बस थोड़ा सा ब्लर करना है। तो हम क्या करते हैं कि फोटो रूम का यूज करते हैं दोस्तों, जिससे फोटो रूम क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लर होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, वीडियो को दोस्तों आप देखते रहिए और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप भी इस टाइप का जो है करिए दोस्तों, तभी आपका फोटो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटचिंग हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड को देख सकते हो, सॉरी मेरे फोटो को दोस्तों यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है, जिससे दोस्तों बैकग्राउंड जो है रिमूव होता है और दोस्तों ब्लर वाला आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर ब्लर वाला मिलता है।
तो आपको सबसे पहले चले जाना है नीचे में दोस्तों। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा फोटो एडिटिंग क्लासिक। यहाँ पर आपको ओरिजिनल ब्लर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, दो नंबर जो ब्लर है यही वाला दोस्तों हमको चाहिए। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और दोस्तों यहाँ पर ब्लर काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा है दोस्तों। तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्लर पे क्लिक कर दूंगा। और दोस्तों कितना पर करना है मैं आपको बता दूँ, अगर दोस्तों आप रिटचिंग करो तो आपका ब्लर जो है लगभग 5 या 6 रहना चाहिए, बस इतना ही दोस्तों आपको ब्लर रहना चाहिए। ज़्यादा दोस्तों ब्लर करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही सेव कर लेता हूँ और इतना करने के बाद दोस्तों इसका फोटो रूम का लोगो हटाने के लिए मैं फिर से दोस्तों जो स्नैपशीट है उसका यूज करूँगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फोटो को जो है ले लेना है, जो ब्लर आपने फोटो किया है दोस्तों उस पर लोगो आया होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लोगो है। तो इस पर दोस्तों हम अपने पुराने वाले फोटो को जो है यहाँ से ऐड कर देते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो ब्लर नहीं है गाइस उसको दोस्तों सबसे पहले ऐड करके इसको मैं पूरा फुल करके सही कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है, व्यू एडिट पे चला जाना दोस्तों, यहाँ पर डबल क्लिक करके ये जो बीच वाला है इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपने कपड़े पर का जो है ऐसे मिटा देना दोस्तों। यहाँ पर देख सको किस टाइप से मैं मिटा रहा हूँ, बस इतना ही दोस्तों आपको काम करने के बाद इसको सही कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हीलिंग का उपयोग करेंगे दोस्तों, इस पर क्लिक करके हीलिंग पे चले जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो लोगो लिखा है इस पर दोस्तों हम इस टाइप से ब्रश को लगा देंगे जिससे लोगो एक ही क्लिक में हट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके बाद इतना काम दोस्तों होने के बाद आपको क्या करना है कि फोटो को दोस्तों यहाँ से शेयर करना है पिकट के अंदर। पिकट के अंदर गाइज मैं आपको बैकग्राउंड में सनसेट का जो लाइट है वो लगाना बताऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों मेरा फोटो आ चुका है, अब दोस्तों हमको सनसेट का जो लाइट है उसको लगाना है। तो मैं यहाँ पर ऐड फोटो पे क्लिक करता हूँ और दोस्तों अपना जो PNG है उसको मैं दोस्तों आप लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों ये मेरा PNG हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा PNG हो गया। इसको दोस्तों मैं यहाँ पर ब्लेंड पे करके स्किन पर करके कुछ इतना पर करके इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इतना ही काम हमको यहाँ पर करना है। अब दोस्तों इसको मैं सही कर देता हूँ और सही करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद क्या करूँगा कि दोस्तों इस फोटो को मैं सीधे लेकर चलूँगा लाइट रूम के अंदर। वहाँ पर तो दोस्तों आपको लाइट एडजस्ट करके दिखाऊँगा, वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसानी से। तो फोटो को शेयर कर देता हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पर जो फोटो हमारा जो है वो लाइट रूम के अंदर जा चुका है दोस्तों। तो अब मैं लाइट रूम को क्या करता हूँ कि ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस टाइप से दोस्तों लाइट को एडजस्ट किया जाता है, जो कि प्रोफेशनल काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से लगता है। तो ये मेरा दोस्तों फोटो हो गया, आप यहाँ पर फोटो को देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले दोस्तों अपने जो मैंने एक प्रीसेट बनाया दोस्तों उसको आपको डाउनलोड करना है, जैसा कि ये मेरा दोस्तों ओरिजिनल प्रीसेट हो गया। इसको दोस्तों आपको डाउनलोड करके लाइटरूम के अंदर शेयर कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 डॉट पर जाके कॉपी सेटिंग कर लेना है, यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है और अपने फोटो पर जो है आपको पेस्ट कर देना दोस्तों। जैसा कि ये मेरा फोटो हो गया, यहाँ पर फोटो को तो देख सकते हो, इस पर दोस्तों इस टाइप से क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट सेटिंग कर देना, जो कि एक ही क्लिक में हमारा फोटो जो है रिटचिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो को कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।